अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है बच्चों? ग्रेट। कहाँ तक डिस्कस कर लिया था हमने? आई गेस रिवॉर्ड सिस्टम पे बात कर रहे थे। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स पे बात हो गई थी। देन परफॉर्मेंस रिलेटेड पे फॉर इंडिविजुअल्स फॉर ग्रुप्स, डिड वी टॉक अबाउट इट? वेयर डिड वी क्लोज? ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट विद हाँ, कंपनी वाइड बोनस तक डिस्कस हो गया था। एग्जैक्टली, परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप मॉनेटरी रिवॉर्ड्स के साथ, दैट्स अ वेरी ट्रिकी रिलेशनशिप। आइडियली पेमेंट ऑफ द बोनस और मॉनेटरी रिवॉर्ड शुड बी डायरेक्टली लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस। मॉनेटरी रिवॉर्ड्स का जो लिंक है वो परफॉर्मेंस के साथ डायरेक्ट होना चाहिए, लेकिन एट टाइम्स ऐसा नहीं होता, स्पेशली व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एबल टू डिफाइन दिस लिंक वेरी क्लियरली। अगर आपने परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स को डिफाइन करना है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एक्सप्लिसिट परफॉर्मेंस टारगेट्स एस्टैब्लिश करते हैं, नंबर वन, एंड नंबर टू, द टारगेट्स आर चैलेंजिंग येट अटेनेबल। चैलेंजिंग होते हैं लेकिन अटेनेबल होते हैं। एंड नेक्स्ट इज के परफॉर्मेंस आप मेजर कर सकें इंडिविजुअल की या ग्रुप की, जिसके लिए भी आप रिवॉर्ड सिस्टम को डिवाइस कर रहे हैं, द परफॉर्मेंस शुड इजीली बी मेजर्ड। क्योंकि अगर आपकी परफॉर्मेंस ही मेजरेबल नहीं है, देन हाउ कुड यू बी एबल टू गिव अ टारगेट टू द पीपल? आप कैसे भी उनकी परफॉर्मेंस के टारगेट को एस्टैब्लिश कर पाएंगे? तो अगर परफॉर्मेंस मेजरेबल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्सर ये इदारे लाइक परफॉर्मेंस टारगेट्स देते हैं ना, ये सेल्स की शक्ल में या नंबर ऑफ यूनिट्स की शक्ल में, तो परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करना है अगर किसी भी मॉनिटरी बेनिफिट के साथ, तो परफॉर्मेंस का मेजरेबल होना चाहिए, नंबर वन। परफॉर्मेंस देन द टारगेट इटसेल्फ शुड बी अटेनेबल। अभी एक आगे थ्योरी आएगी एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की, उसमें यही फिनोमेना आता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो टारगेट ड्रिवन होती है, और टारगेट भी वो जो आप खुद सेट करते हैं अपने लिए। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर ट्रकर का मॉडल है दैट टॉक्स अबाउट कि इंडिविजुअल्स की जो परफॉर्मेंस होती है वो टारगेट से ड्राइव की जाती है। एंड सेकेंडली, योर परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन थ्रू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वर्किंग। मोटिवेशन की जो अर्लियर थेरीज हैं वो सारी की सारी इसके अंदर डिस्कस हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है फीडबैक। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन यू हैव टू मेक श्योर दैट द परफॉर्मेंस हैज टू बी लिंक्ड विद द अमाउंट ऑफ एफर्ट पीपल आर पुटिंग इन। पुटिंग इन मोर एफर्ट विल लीड टू इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ना, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी। इस रिलेशनशिप के लिए फिर आपको डिवाइस करना पड़ता है एक फीडबैक सिस्टम, क्योंकि फीडबैक विल लेट द एम्प्लॉयज नो कि उनकी परफॉर्मेंस में कहाँ लूप होल्स हैं या कहाँ कहाँ पे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहिए। तो पीपल शुड नो दैट वेदर और नॉट दे आर केपेबल इनफ टू परफॉर्म। इफ दे आर देन देर हैज टू बी अ सिस्टम ऑफ फीडबैक। फिर एक सिस्टम ऑफ फीडबैक जो है वो आप डेवलप करते हैं। फीडबैक दो किस्म के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी होता है और डिस्ट्रक्टिव या फंक्शनल या डिसफंक्शनल फीडबैक होता है। पीपल हैव एन इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन दैट दे शुड बी टोल्ड हाउ आर दे परफॉर्मिंग, वेदर दे आर ऑन कोर्स ऑफ अचीविंग देयर गोल्स और नॉट। कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के कोर्स पे ही काम कर रहे हैं या उसे डिट्रैक हो चुके हैं। सो इफ दे आर नॉट ऑन टारगेट देन दे नीड सम गाइडलाइन, सम एडवाइस। तो ये प्रोसेस जो है जिसे हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और एम्प्लॉयज़ को फीडबैक देते हैं, ये बड़ा एक क्रिटिकल प्रोसेस होता है। आइडियली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो इसको अप्रेजल सिस्टम कहता है। अप्रेजल प्रोसेस जो होता है, ये जॉब अप्रेजल जो होते हैं, ये हम डेवलप करते हैं इफेक्टिव फीडबैक देने के लिए। फीडबैक शुड बी कंस्ट्रक्टिव, शुड मेंटेन पॉजिटिव एनवायरनमेंट रादर देन बीइंग क्रिटिकल। आपको इंडिविजुअल की मोटिवेशन को मेंटेन करना होता है, एंड टू मेंटेन द मोटिवेशन ऑफ द इंडिविजुअल यू हैव टू गिव द फीडबैक इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव वे।
Because if you will criticize the people in a negative way, they will definitely be demotivated. तो एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मुहैया करते हैं और बड़ा रैशनल प्रोसेस होता है, इसे हम जॉब अप्रेजल्स कहते हैं। ये फाइनल्स में जाके आप इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक भी पढ़ेंगे जॉब अप्रेजल सिस्टम्स के ऊपर, कि इदारे किस तरह से अप्रेजल सिस्टम्स को डिज़ाइन करते हैं, डिवाइस करते हैं और किस तरह उसको इफेक्टिव बनाते हैं। तो अप्रेजल्स जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन गिविंग पीपल और मेकिंग देम रियलाइज दैट दे आर वर्किंग फाइन, या अगर कुछ जो भी प्रॉब्लम्स हैं। फिर आगे अप्रेजल्स की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। इसमें टेल एंड सेल मेथड होता है, टेल एंड लिसन मेथड होता है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। और आप इस टॉपिक पे जाएंगे तो यू विल बी एबल टू रियलाइज कि किस तरह से हम इसके ऊपर समझते हैं। फीडबैक के ऊपर भी एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन इस पे आ सकता है, फीडबैक्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव फीडबैक्स क्या होते हैं। तो ये जो दूसरा पार्ट था ये पूरा रिवॉर्ड सिस्टम के ऊपर घूमता है। रिवॉर्ड सिस्टम को डिवाइस कैसे करते हैं, हाउ मैनेजर्स कैन यूज द रिवॉर्ड सिस्टम टू मोटिवेट देयर स्टाफ, रिवॉर्ड सिस्टम में रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, व्हाट आर द की रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स होते हैं, ग्रुप बेस्ड रिवॉर्ड्स होते हैं, टीम बोनसेस होते हैं। फिर इफेक्टिव रिवॉर्ड सिस्टम को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है, उसके लिए नीड्स को समझना इंपॉर्टेंट है। तो ऑल ऑफ दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द रिवॉर्ड सिस्टम। जो तीसरा मेन पार्ट है, जो तीसरा एरिया है, इट विल टॉक अबाउट सम ऑफ द मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स इन द एरिया ऑफ मोटिवेशन। इसमें सबसे पहले गोल सेटिंग थ्योरी डिस्कस होती है। इट्स अ वेरी कॉमन येट अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। गोल्स जो हैं उन्हें किस प्रोसेस से हम सेट करते हैं, प्रोसेस क्या होता है गोल सेटिंग का। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स अपेयर हो चुका है, गोल सेटिंग का प्रोसेस। सबसे पहले एक इदारे के पास एक वीएन होता है, उस वीएन से वो अपना मिशन निकालते हैं। मिशन टेल्स द रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर मिशन से आप अपने गोल्स को एस्टैब्लिश करते हैं, फिर गोल से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। अभी ये बड़ी एक डिबेट है कि गोल्स ब्रॉडर होते हैं, ऑब्जेक्टिव ब्रॉडर होते हैं, लेकिन इसके ऊपर कहीं ना कहीं कंसेंसस पाया जाता है कि गोल्स आर फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑब्जेक्टिव जो हैं दे कैन और दे कैन नॉट बी फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। फिर ऑब्जेक्टिव जो हैं ज़्यादा क्वांटिटेटिव होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, नंबर्स में होते हैं। गोल्स नरेटिव होते हैं, नरेट करते हैं इनको। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक रिव्यू का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर मैनेजमेंट रिकंसिडर करती है अपने पर्पज़ को, अपनी अपनी एग्जिस्टेंस को। एंड इफ पॉसिबल एंड इफ इट इज डीम्ड नेसेसरी, अगर मुमकिन हो या अगर नेसेसरी हो तो वो फिर अपने मिशन को अपडेट भी करते हैं सारे, बट दैट इज़ नॉट क्वाइट ऑफन। वो कभी सालों में एक दफ़ा अपना मिशन जो है उसे रिवाइज भी करते हैं। वट आर यू ट्राइंग टू अचीव, वट आर योर गोल्स, वेर आर यू हेडिंग अप टू। ये बड़ी इंटरेस्टिंग हायरार्की है, इसे हायरार्की ऑफ मिशन विजन गोल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। सबसे पहले इससे ऊपर वीएन होता है, वीएन खैर यहाँ डिस्कस नहीं किया जा रहा, बट इससे भी ऊपर जो है वो आपका वीएन होता है। मिशन, मिशन इज समझ लें कि ये डायरेक्शन सेट करता है किदारे की, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपका ओवरऑल पर्पस क्या है एंटिटी का। मिशन स्टेटमेंट आप देखें, हर इदारे की एक मिशन स्टेटमेंट होती है। वो मिशन स्टेटमेंट बताती है दैट व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एन एंटिटीज एग्जिस्टेंस, उस इदारे की एग्जिस्टेंस की वजह क्या है, व्हाई डज दैट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। फिर मिशन को जब आप फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो आपके गोल्स बनते हैं, गोल से आपके ऑब्जेक्टिव निकलते हैं, ऑब्जेक्टिव से आपकी स्ट्रेटजीज बनती हैं, फिर आपके टैक्टिकल प्लान्स बनते हैं और अल्टीमेटली फिर आप उनसे अपने ऑपरेशनल प्लान्स बनाते हैं। सो वी विल गो थ्रू वन बाय वन ईच ऑफ दीज टर्म्स। द फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर मिशन। मिशन सबसे ऊपर होता है। मिशन बेसिकली एक पर्पज होता है एक इदारे का, विच इज नॉर्मली एक्सप्रेस इन अ फॉर्मल स्टेटमेंट, जिसे हम मिशन स्टेटमेंट कहते हैं। मिशन स्टेटमेंट जो है ये रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस बताती है आपको, इट टेल्स अबाउट द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक हेनरी मिंट्सबर्ग डिफाइन करता है मिशन स्टेटमेंट को कि मिशन एक ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक फंक्शन है सोसाइटी में, रिगार्डिंग इट्स प्रोडक्ट्स, इट्स सर्विसेज, वट एवर इट प्रोड्यूसेज फॉर द कस्टमर्स। ये आपका मिशन होता है। मिशन डिस्क्राइब द रीजन ऑफ योर एग्जिस्टेंस। मिशन स्टेटमेंट बड़ी शॉर्ट और क्लियर स्टेटमेंट होती है, नॉट मोर देन 2 to 3 सेंटेंसेज। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर ओन नॉलेज आप सर्च कर सकते हैं मिशन स्टेटमेंट इंटरनेशनल
मल्टीनेशनल कंपनीज की लाइक कोका कोला की मिशन स्टेटमेंट ढूंढ लें नेट पे जाके, नेस्ले की निकाल लें, तो यू वुड रियलाइज कि मिशन स्टेटमेंट जो है बड़ी क्लियर कट स्टेटमेंट होती है, जिसमें बड़ा क्लियर मैसेज दे रहे होते हैं कि इदारे का मेन पर्पस क्या है, व्हाट इज आवर बिजनेस, व्हाई डू वी एग्जिस्ट, व्हाट वैल्यू आर वी क्रिएटिंग फॉर आवर कस्टमर, हम कस्टमर के लिए वैल्यू क्या क्या क्रिएट करते हैं. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ योर कोर कॉम्पिटेंस. जो वैल्यू आप क्रिएट करते हैं, इफ यू रिमेंबर माइकल पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल, तो उसमें हमने कोर कॉम्पिटेंस की बात की थी. तो वैल्यू जो है आपकी, वो आपकी कोर कॉम्पिटेंस होती है. इट कैन बी क्वालिटी, इट कैन बी अवेलेबिलिटी, इट कैन बी लो प्राइस, एनी एनी परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो कि यूनिक हो आपके लिए, दैट बिकम्स योर वैल्यू. व्हाट विल आवर बिजनेस बी, फ्यूचर क्या है आपका, फ्यूचर में कहाँ देखते हैं अपने आप को, टू बी लेट्स से नेस्ले कहते हैं जी, टू बी द लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी इन द वर्ल्ड. तो ये विल को डिफाइन करते हैं. नॉर्मली ये इस सवाल का जो जवाब है, ये आपके फ्यूचर ग्रोथ की सेंस में होता है कि आप अपने फ्यूचर को कहाँ देखते हैं बिजनेस के लिए. एंड देन द व्हाट शुड आवर बिजनेस बी, व्हाट शुड आवर बिजनेस बी, ये भी हेनरी मिंट्सबर्ग डिफाइन करता है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट इन दीज टू क्वेश्चंस, विल आवर बिजनेस बी एंड शुड आवर बिजनेस बी. तो विल के अंदर नॉर्मली हमारा जो कॉरपोरेट गोल्स हैं, कॉरपोरेट ग्रोथ के जो हमारे पैरामीटर्स हैं, उनको हम एस्टेब्लिश करते हैं. फ्यूचर ओरिएंटेशन इसमें होती है, और इसके अंदर हम अपने सोसाइटल इम्पैक्ट को डिफाइन करते हैं, जिसे हम CSR कहते हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मुआशरे को आप क्या दे रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, मतलब व्हाट व्हाट इज द कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटिटी. इसी तो एक मिशन स्टेटमेंट में हम कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस को, कुछ बुनियादी सवालों को आंसर करने की कोशिश करते हैं. हमारा पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, वेयर वी लुक एट आर ओन सेल्फ इन द फ्यूचर, व्हाट इज आर कोर कॉम्पिटेंस जिसकी बुनियाद पे हम कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं, एंड व्हाट डू वी गिव टू द सोसाइटी. इसमें फिर आपकी एथिकल कॉन्सिडरेशन आ जाती हैं, CSR आ जाती है. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मिशन स्टेटमेंट में इन चार क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आपको. यू कैन लुक एट एनी मिशन स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल ये दो तीन एग्जाम्पल्स तो नीचे भी दी गई हैं. जैसे वर्ल्ड बैंक की मिशन स्टेटमेंट यहाँ पे ब्रीफ कर रहे हैं आपकी बुक के अंदर, वो कहते हैं जी आर ड्रीम इज अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, दैट इज द पर्पज ऑफ योर एग्जिस्टेंस. या आपकी जो एग्जिस्टेंस है, दैट इज यू यू एग्जिस्ट बिकॉज यू वॉन्ट अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, टू फाइट पॉवर्टी विथ कंपैशन प्रोफेशनलिज्म फॉर लर्नर, दैट इज योर कोर कॉम्पिटेंस. पैशन और प्रोफेशनलिज्म जो है, ये आपकी कोर कॉम्पिटेंस है. टू हेल्प पुअर पीपल हेल्प देमसेल्व एंड देयर एनवायरमेंट बाय प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज, शेयरिंग नॉलेज, बिल्डिंग कैपेसिटी, फोर्जिंग पार्टनरशिप, ये वॉट विल को डिफाइन कर रहे हैं, ये वॉट वॉट शुड को डिफाइन कर रहे हैं, और ये वॉट विल को डिफाइन कर रहे हैं. टू बी एन एक्सलेंट इंस्टीट्यूशन जो कि अट्रैक्ट करे, एक्साइट करे, नर्चर करे डाइवर्स एंड कमिटेड स्टाफ को विद एक्सेप्शनल स्किल्स, हु नो हाउ टू लिसन एंड हाउ टू लर्न. ये बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव सी स्टेटमेंट है, तीन चार सेंटेंसेस पे मुश्तमिल है, एंड दैट इज हाउ यू प्रिसाइजली डिफाइन. अभी इस स्टेज के ऊपर आपको मिशन स्टेटमेंट डेवलप करने को नहीं कहा जाएगा, इसके ऊपर एज सच डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये पेयर हो सकता है. यू विल नॉट बी आस्ड कि आप मिशन स्टेटमेंट को डिफाई मतलब डेवलप करें. हाँ, फाइनल्स में जब आप जाएंगे, तो फाइनल्स में ये होता है कि वहाँ पे आपको सिचुएशन दे दी जाती है, किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, और कहा जाता है इस कंपनी की मिशन स्टेटमेंट लिख के दिखाएं, इस इदारे की मिशन स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करें. बट एट दिस पॉइंट इन टाइम यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट अ मिशन स्टेटमेंट, यू विल ओनली बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन व्हाट अ मिशन इज. मिशन स्टेटमेंट के पर्पजेज क्या होते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट आर द की पर्पजेज ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट, मकसद क्या सर्व करते हैं आप एक मिशन स्टेटमेंट से. सबसे बुनियादी पर्पज ऑफ मिशन स्टेटमेंट का जो है, ये आपको एक बेसिस देती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, क्योंकि मिशन से आपको एक सिमत मिल जाती है ना, यू यू गेट अ डायरेक्शन, यू गेट अ डायरेक्शन टू मूव अहेड. तो आपकी जो भी स्ट्रेटजीज हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, आपके जो भी कंसर्न्स हैं, वो आपके मिशन स्टेटमेंट से निकलते हैं. मिशन स्टेटमेंट ट्रांसलेट कर देती है ब्रॉड इंटेंशंस एक एंटिटी की इनटू, और इसी से फिर आप कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव और अपने गोल्स निकालते हैं. द मिशन इज वेरी ब्रॉड, मिशन कैन नॉट बी अचीव्ड डायरेक्टली, बल्कि मिशन को फिर आगे फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ता है गोल्स में, ऑब्जेक्टिव में, ताकि आप क्वान्टिटेटिव टारगेट सेट कर सकें. मिशन से कॉमन पर्पस मिल जाता है, एक सिमत मिल जाती है, किबला सबका दुरुस्त हो जाता है.
all the groups and all the individual will have a common direction, they'll have a common purpose. Mission statement से inspiration मिलती है employees को, they get inspired. Mission statement से goals निकलते हैं, ethics, जैसे अभी CSR की बात की है, तो आपके जो ethical considerations हैं, ये भी आपके mission statement से determine होती हैं. मिशन स्टेटमेंट से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है इदारे के एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की. देखिए ना, मिशन स्टेटमेंट एक ओपन सोर्स है ना, एनीबडी कैन जस्ट सी व्हाट द मिशन ऑफ एन एंटिटी इज. इदारे की मिशन स्टेटमेंट कोई भी देख सकता है, कोई भी पढ़ सकता है. तो मिशन स्टेटमेंट से फिर आपको एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जो हैं आपके, उनको एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा इदारे के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इदारा क्यों काम कर रहा है. जनरल पब्लिक जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, वो भी मिशन स्टेटमेंट से अंदाजा लगा सकती है इदारे की एग्जिस्टेंस के पीछे रीजंस क्या है. मिशन स्टेटमेंट बेसिकली एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है बिटवीन एन एंटिटी एंड देयर स्टेक होल्डर्स. एक इदारे के और उसके स्टेक होल्डर्स के दरमियान मिशन स्टेटमेंट एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन का रोल भी प्ले करती है कि आप अपनी अपने जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आप कम्युनिकेट कर लेते हैं बाय डेवलपिंग अ साउंड मिशन स्टेटमेंट. मिशन को आप ब्रेक डाउन करते हैं तो गोल और ऑब्जेक्टिव निकलते हैं. देयर इज स्टिल सम कंफ्यूजन एग्जिस्टिंग कि गोल और ऑब्जेक्टिव में कौन सी चीज़ ब्रॉड है, कौन सी चीज़ नैरो है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेंसस आ चुका है. गोल्स जो होते हैं ये नरेटिव होते हैं, गोल्स जो हैं ये नरेट किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नेस्ले का गोल है टू बी द लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी, दैट कैन बी अ गोल. मतलब बड़े ब्रॉड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक इदारे का गोल है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, ये इसका गोल है. और ये गोल है कि जी टू बी द लीडिंग बिजनेस इन पाकिस्तान लेट से. तो गोल्स जो हैं ये नरेटिव होते हैं, नंबर वन, वसी होते हैं, पूरे इदारे पे अप्लाई होते हैं. गोल्स से फिर हम ऑब्जेक्टिव्स को ड्राइव करते हैं. ऑब्जेक्टिव्स आर क्वान्टिटेटिव इन नेचर, कैन बी मेजर्ड, कैन बी क्वान्टिफाइड एंड फर्दर ब्रोकन डाउन. एक होते हैं कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, फिर आप इसे फर्दर तोड़ देते हैं तो आप डिपार्टमेंटल लेवल पे आ जाते हैं जिन्हें टेक्टिकल ऑब्जेक्टिव कहते हैं. फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं तो आप ऑपरेशनल लेवल ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर लेते हैं, जो आपके जो रोजमर्रा के टारगेट्स हैं उनको इस्टेब्लिश कर लेते हैं. यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स का. ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड. ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए, स्पेसिफिक मीन्स क्लियर होने चाहिए, स्टेटेड वेरी क्लियरली. मेजरेबल होने चाहिए, क्वान्टिफाइड होने चाहिए. एग्रीड होने चाहिए, एग्रीड मीन्स लोगों के साथ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के थ्रू सेट करने चाहिए. आइडियली आइडियली ऑब्जेक्टिव जो आप सेट करते हैं डिपार्टमेंट्स के या एम्प्लॉयज़ के, वो उनकी रजामंदी से सेट करते हैं ना, उनके साथ आप म्यूचुअल डिस्कशन के थ्रू आप उनके ऑब्जेक्टिव का इस्टेब्लिश करते हैं. ऑब्जेक्टिव मस्ट बी रियलिस्टिक, हकीकत पे बेस करते हैं, करने भी चाहिए. चैलेंजिंग येट अटेनेबल, ऑब्जेक्टिव शुड बी चैलेंजिंग बट शुड बी अटेनेबल, हकीकत पे बेस करने चाहिए. एंड टाइम बाउंडेड, देयर हैज टू बी अ टाइम फ्रेम, डेडलाइन होनी चाहिए, इतने अरसे तक ये काम करना है. तो बेसिकली स्मार्ट ऑब्जेक्टिव जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव. जैसे ये जो भी हमने ऊपर एग्जाम्पल देखी इसी को देखते हैं. गोल क्या है? मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ. अब इस गोल को आप ट्रांसलेट करेंगे तो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका. कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डबल द शेयर प्राइस विद नेक्स्ट 10 ईयर्स. आपका ऑब्जेक्टिव बन गया कि आपने अपनी, अब इसमें आपने इसे क्वान्टिफाई भी कर दिया, टाइम बाउंड भी कर दिया, स्पेसिफाई भी कर दिया. अब इस कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को फिर अब आप आगे फर्दर तोड़ सकते हैं डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर. अब शेयर प्राइस को डबल करने के लिए मार्केटिंग वाले क्या रोल प्ले करेंगे, एचआर वाले क्या रोल प्ले करेंगे, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग वाले क्या रोल प्ले करेंगे, प्रोडक्शन वाले क्या रोल प्ले करेंगे. अब हर डिपार्टमेंट जब अपने अपने लेवल पे अपना अपना रोल प्ले करेगा, सो दैट वुड बिकम योर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल, एनुअल प्रॉफिट इंक्रीज करना है बाय 125%, 3 नए प्रोडक्ट इनिशिएट करने हैं, 3 नई मार्केट सेगमेंट्स में या 4 नई मार्केट सेगमेंट्स के अंदर इस्टेब्लिश करना है अपने आप को. अब ये तीनों स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो हैं ये हेल्प करेंगे आपको इस कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, जो इन टर्न हेल्प करेगा आपको इस गोल को पूरा करने के लिए. सो ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हमने भी ये हायरार्की में देखे. यू हैव ऑब्जेक्टिव कॉर्पोरेट लेवल पे, फिर इसकी बेस पे आप स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल, आप 3 लेवल्स इसको डिवाइड कर देते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज बना लेते हैं.
स्ट्रेटजी डिफाइन करती है हाउ टू अचीव, ऑब्जेक्टिव गोल डिफाइन करता है व्हाट टू अचीव. दैट्स अ वेरी सिंपल डिफरेंशिएशन. स्ट्रेटजी को उर्दू में कहते हैं लाहे अमल. आप एक लाहे अमल तैयार कर लेते हैं किसी भी टास्क को अचीव करने का, दैट डिफाइन योर स्ट्रेटजी. ऑब्जेक्टिव एक टारगेट होता है या गोल जो है ये आपका टारगेट होता है. व्हाट टू अचीव, करना क्या है. हाउ टू अचीव, करना कैसे है. कैसे करना है, दैट वुड बी योर स्ट्रेटजी. करना क्या है, दैट वुड बी योर ऑब्जेक्टिव और गोल. डिपेंड करता है, अगर तो वो क्वान्टिटेटिव है, मेजरेबल है, न्यूमेरिकली डिफाइंड है तो वो ऑब्जेक्टिव होगा. अदरवाइज अगर वो नरेटिव है तो वो गोल होगा. सो दैट एग्जाम्पल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना जिससे आप समझ लेते हैं इस हायरार्की को. कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव पूरे इदारे का है, फिर इसको आप आगे फर्दर स्ट्रेटजीज में तोड़ देते हैं. स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर देते हैं. ओके फाइन, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा. फिर आगे फर्दर आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं टैक्टिकल लेवल स्ट्रेटजीज के अंदर. डेली की स्ट्रेटजीज क्या है आपकी, रोज की स्ट्रेटजीज क्या है, रोज के आपके कंसर्न्स क्या हैं, वो फिर आप उसे फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं, फर्दर आप उसको डिवाइड कर देते हैं सो दैट यू कैन अचीव अ सर्टन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन योर ऑर्गेनाइजेशन. तो दिस इज हाउ यू डिटरमिन. कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव दे आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स. डिपेंड करता है कि आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कौन कौन से हैं. सी एस एफ, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, फिर रिमेंबर सी एस एफ के ऊपर. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो हैं ये के पी आई से पहले आते हैं. के पी आई आर योर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी जो है एक कंपनी का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है. अब क्वालिटी को मेजर कैसे करेंगे, दैट वुड बी थ्रू के पी आई. उसका परफॉर्मेंस इंडिकेटर आप बनाएंगे. क्वालिटी कैन बी मेजर थ्रू फॉर एग्जाम्पल डिफेक्ट रेट. क्वालिटी कैन बी मेजर थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन. क्वालिटी कैन बी मेजर थ्रू कस्टमर चर्न रेट लेट्स से. ठीक है ना, तो ये सारे इसके के पी आईज हो जाते हैं. तो आपका जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है ये डिटरमिन करता है कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ज़्यादा डोमिनेट करेगी. योर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर डिटरमिन्स दैट विच स्ट्रेटजी विल बी मोर इफेक्टिव और मोर डोमिनेंट और विच स्ट्रेटजी विल लीड टू अ सर्टन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. और इसी की बेस पर फिर हमारे के पी आईज सेट किए जाते हैं. हम अपने के पी आईज बनाते हैं और के पी आईज जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि आपका मतलब के पी आई जो है इट्स अ मेट्रिक. ये बात तो आपको बताई थी पहले भी. के पी आई कहते हैं मेट्रिक को. METRIC तीन लफ्ज होते हैं ना, एक होता है मेट्रिक. मेट्रिक वो जो आपने 10वीं पास की थी. एक होता है मेट्रिक्स. मेट्रिक्स कहते हैं डब्बे को, बॉक्स को. और एक होता है मेट्रिक, METRIC. अनफॉर्चुनेटली अक्सर लोगों ने METCRIC लिखा होता है मेट्रिक 10वीं पास का. स्पेलिंग का डिफरेंस याद रखिएगा. मेट्रिक जैसे मेट्रिक कोई वर्ड नहीं, वर्ड है मेट्रिकुलेशन. मेट्रिक तो हमने बना लिया, अंग्रेजी में ये वर्ड नहीं है वैसे. मेट्रिक METRIC मेट्रिक कहते हैं KPI को. मेट्रिक इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एनीथिंग. फॉर एग्जांपल आपकी हेल्थ का मेट्रिक क्या है, बॉडी मास इंडेक्स BMI इज अ मेट्रिक. आपकी हाइट और आपका जो वेट है इसकी रेशियो को हम BMI कहते हैं. तो मेट्रिक इज अ KPI. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एक कॉन्सेप्ट है, इसको जब आप मेजर करते हैं तो आप इसे मेट्रिक के थ्रू मेजर करते हैं और मेट्रिक को हम KPI कहते हैं. क्वालिटी कैन बी अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. हाउ मेजर्ड, कैसे मेजर करेंगे. डिफेक्ट रेट से मेजर कर सकते हैं, कस्टमर टर्नओवर रेट से मेजर कर सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से मेजर कर सकते हैं. ठीक है ना, इसी तरह लेट सपोज आपकी जो अच्छा फिर लेट से इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवनेस HR इफेक्टिवनेस कैन बी अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. हाउ मेजर्ड, HR टर्नओवर रेट से मेजर कर सकते हैं, कितने इंप्लॉइज छोड़ के जा रहे हैं आपको. तो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग CSF होते हैं, उनके अलग अलग KPIs होते हैं. क्वालिटी मैनेजमेंट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि काफ़ी तफसील से पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है. पर इस स्टेज पर भी आपसे ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आप KPIs को डिवेलप करने के काबिल हों या CSF को डिवेलप करने के काबिल हों. एट दिस पॉइंट इन टाइम यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू ऑल दिस. तो गोल और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके बेसिकली ये एक इदारे के ब्रॉडर मिशन को स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज के थ्रू अचीवमेंट ओरिएंटेड टारगेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. दे हेल्प यू टू कन्वर्ट योर मिशन इनटू मोर अचीवेबल, जिन्हें हम माइलस्टोन्स कह सकते हैं. माइलस्टोन जो होता है आपका वो एक टारगेट होता है कि अच्छा फाइन, अब ये काम कर लिया, अब अगला काम करेंगे.
जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये इंटर जो है ये आपका माइलस्टोन है, जैसे ये माइलस्टोन आप पास करेंगे फिर आप आगे फाइनल में आ जाएंगे, तो यू यू विल क्रॉस वेरियस माइलस्टोन्स, यू विल पास डिफरेंट माइलस्टोन्स, और ये माइलस्टोन्स जो है ये आपके अल्टीमेटली जब तक आप सारे माइलस्टोन्स को अचीव करेंगे अपना मिशन अचीव कर चुके होंगे। ठीक, तो ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, हायरार्की ऑफ वीएन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, इसके ऊपर एग्जामिनेशन में आपके मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन भी अपेयर हो चुका है। ओके, करता कौन है ये, हु सेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ये काम ये सेट कौन करता है, ये डिसाइड कौन करता है? नॉर्मली लीडर ऑफ द हाउस, नॉर्मली जो बोर्ड होता है विच इज लेड बाय द सीईओ सीईओ, जो बोर्ड होता है वो सेट करता है आपके फॉर्मल गोल और ऑब्जेक्टिव को, आपके सर जो मतलब जो मेरा आपके काम क्या लीडर्स होता है, होते मतलब हैं आप जो वो इसको डिफाइन सीनियर्स करते आदमी हैं, हैं और जो बोर्ड के जो डिसीजन होते कोई हैं कोई फूल दे है आर और इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेक होल्डर्स एज वेल। ये भी हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर के अंदर, जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके इसके अंदर जो टारगेट्स हैं, जो आपके गोल्स हैं। ठीक, बाज दफा कस्टमर्स मतलब जो हैं आप ये ये कह रहे हैं डिटरमिन करते कि हैं कि आप सर किस तरह से काम करेंगे, मेरे को कभी भी बाज दफा आपके जो खुशी एम्प्लॉयज ना हैं हाउ गोल्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सेल्फ मोटिवेशन वेन यू हैव अ कम्प्लीट कमांड ऑन सेटिंग योर गोल्स। एट टाइम्स ये होता है ना, कोई आपके लिए गोल खुद सेट कर रहा होता है तो उसमें तो फिर मोटिवेशन बड़ी निल हो जाती है, स्पेशली गोल सेटिंग थियरी उसमें अप्लाई नहीं हो सकती बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी टूवर्ड्स सेटिंग योर गोल्स। लेकिन जिस सिचुएशन में आप अपने गोल्स खुद सेट करते हैं वहाँ पे गोल्स आपकी एफर्ट को कंसिस्टेंट रखते हैं, चांस ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है, अल्टीमेटली आपकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो गोल बेसिकली डिटरमिन्स द गैप वेयर वी आर नाउ, राइट, अब अभी हम कहाँ पे एंड व्हाट डू वी वांट टू अचीव, हमने क्या अचीव करना। तो इस गैप को हम बेसिकली गोल की सेंस में डिफाइन करते हैं कि गोल इज वेयर वी आर नाउ और व्हाट डू वी वांट टू अचीव। तो जो नॉलेज है हमारा एक इदारे के मुतालिक या अपने गोल के मुतालिक, ये हमें नॉलेज बताता है कि व्हाट एक्चुअली वी कैन डू टू अचीव दैट गोल। तो वो जो स्केल ऑफ जर्नी है अब से लेकर अपने गोल को अचीव करने की, उस स्केल ऑफ जर्नी को हम समझ पाते हैं एंड दैट कैन ऑल्सो गिव अस अ सेंस ऑफ कम्फर्ट कि हमने समझ लिया है प्रॉब्लम को एंड वी हैव अ कम्प्लीट कमांड ऑन इट। तो आप जितना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेते हैं ना एक सिचुएशन पे या एक पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर, उतनी आपकी फिर उसमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है। तो कंट्रोल को एस्टैब्लिश करने के लिए फिर गोल भी हमें अपने खुद सेट करने पड़ते हैं। वी हैव टू सेट आर ओन गोल्स इफ वी वांट टू हैव अ कंप्लीट कमांड ऑन द होल प्रोसेस। तो गोल सेटिंग थ्योरी जो है इट स्टार्ट्स विद द नोशन के हम अपने गोल्स को खुद सेट करते हैं एंड वाइल सेटिंग आवर ओन गोल्स, अपने गोल्स को सेट करते हुए हम फिर उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, वी ट्राई टू कंप्लीट दैट प्रोसेस। गोल्स कैसे आपको मोटिवेट करते हैं, इसमें दो ओरिएंटेशन पाई जाती हैं, एक होती है लर्निंग ओरिएंटेशन, एक होती है प्रूफ ओरिएंटेशन। हाउ गोल्स कैन बी अ मोटिवेटर बिकॉज गोल्स सर्व टू पर्पजेस, गोल्स आपकी लर्निंग ओरिएंटेशन को सर्व करते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल गोल्स मेक यू लर्न समथिंग न्यू, तो वैन यू लर्न समथिंग न्यू यू विल बी सेटिस्फाइड, यू विल बी मोटिवेटेड। गोल्स आपके नए स्किल्स को एक्वायर करने में आपकी मदद करते हैं, गोल्स अलाउ यू टू मास्टर न्यू सिचुएशंस, टू लर्न न्यू टेक्निक्स, टू हैव न्यू स्ट्रेटजीज, इसे कहते हैं लर्निंग ओरिएंटेशन। ऑल्सो गोल ऑल्सो अलाउ यू टू हैव अ प्रूफ ओरिएंटेशन, गोल्स जो है ये आपको अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को भी अप्लाई करवाते हैं, आपसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वैलिडेट करते हैं अपनी कॉम्पिटेंस को किसी भी टारगेट को मीट करने के लिए, इसे कहते हैं प्रूफ ओरिएंटेशन। दोनों केसेज में आपकी वेल बींग बेहतर होती है। फॉर एग्जाम्पल वेन यू अचीव समथिंग, तो कुछ आप एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंस को यूज़ करते हुए अचीव करते हैं, कुछ आप नया भी सीखते हैं उस प्रोसेस में, दोनों केसेस में आपकी वेल बींग बेहतर होती है, यू फील मोर सेटिस्फाइड, यू बिलीव दैट यू हैव लर्न समथिंग न्यू और यू हैव एक्चुअली प्रूवन अ कॉम्पिटेंस, आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है या आपने कोई कॉम्पिटेंस अपनी प्रूव की है। सो दैट बिकम्स अ प्राइम मोटिवेटर, दैट गिव्स अ सेंस ऑफ मोटिवेशन। ये चीज़ फिर आपको एक सेंस ऑफ मोटिवेशन देती है, एस्पायर करती है आपको।
मैनेजर इसीलिए फिर ये कहा जाता है ना कि गोल सेटिंग के अंदर मैनेजर्स जो हैं दे शुड एनकरेज द पीपल टू पार्टिसिपेट इन देयर पर्सनल गोल सेटिंग प्रोसेस एंड टू ट्रैक देयर ओन परफॉर्मेंस। एमबीओ जो थेरी है वो इसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है कि हम किस तरह इनकरेज करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने गोल सेटिंग को खुद इस्टेब्लिश करें, खुद सेट करें अपने गोल्स को और खुद अपनी परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करें, खुद जिम्मेदारी उठाएं अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने की। इस प्रोसेस को फिर हम गोल सेटिंग थेरी के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि जब आप अपने पर्सनल गोल्स खुद सेट करते हैं तो उसके अंदर फिर आप ये भी देखते हैं ना कि आपके पर्सनल गोल्स आपके करियर गोल के साथ अलाइंड होने चाहिए। द पर्सनल गोल्स शुड बी अलाइंड विद योर करियर गोल्स एंड इफ यू आर इन्वॉल्विंग अ पर्सन टू सेट देयर गोल्स एट देम बाय देमसेल्फ तो दे विल मेक श्योर कि वो करियर गोल्स को अलाइन करें पर्सनल गोल्स के साथ। तो ये अलाइनमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। योर पर्सनल गोल्स मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद योर करियर गोल्स। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है तो उसकी गोल सेटिंग प्रोसेस में बींग अ मैनेजर यू हैव टू मेक श्योर कि उसकी जॉब में एडिक्वेट ट्रैवलिंग होनी चाहिए कि वो अपने पर्सनल गोल्स को भी मीट कर सके साथ साथ अपने कॉर्पोरेट गोल्स को भी अचीव कर सके। या एक बंदे को अगर एडवेंचर पसंद है लेट से तो आप उसकी गोल सेटिंग के दौरान यू हैव टू मेक श्योर बींग अ मैनेजर कि आप उसे इन्वॉल्व करें उसके गोल सेटिंग प्रोसेस में ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि उसके पर्सनल गोल्स भी पूरे हो रहे हैं। इसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, दैट इज़ नोन एज डेवलपमेंट। आप परफॉर्मेंस के साथ साथ डेवलप भी हो रहे होते हैं, एज इंडिविजुअल भी आप ग्रो कर रहे होते हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। यू हैव टू अलाइन द पर्सनल गोल्स विद योर करियर एंड फाइनेंशियल गोल्स। अगर इन दोनों और ये प्रोसेस जो है ये गोल सेटिंग के थ्रू होता है, दैट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ एग्जीक्यूटेड थ्रू इफेक्टिव गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग थेरी जो है दिस इज बेसिकली गोल सेटिंग थेरी। ये गोल सेटिंग थेरी है। गोल सेटिंग थेरी का मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉई अपने गोल सेटिंग प्रोसेस में खुद इन्वॉल्व हुआ है और चैलेंजिंग गोल सेट किए हैं तो ऑटोमेटिकली मोटिवेट होगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ गोल सेटिंग थेरी। अ पर्सन हु हैज एस्टैब्लिश्ड हिज और हर ओन गोल्स बाय गेटिंग इन्वॉल्व तो द लेवल ऑफ मोटिवेशन विल बी वेरी हाई। और ये करने के लिए फिर आपको पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट यूज़ करनी पड़ती है। बीइंग अ मैनेजर यू हैव टू इन्वॉल्व द एम्प्लॉई इन द होल प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग ताकि एम्प्लॉई मोटिवेट हो, उसकी गोल सेटिंग प्रोसेस के अंदर उसकी अपनी से हो और जितना वो उसमें इन्वॉल्व होगा उतनी उसकी लेवल ऑफ मोटिवेशन हाई हो जाएगी। एंड दिस इज द प्रोसेस विच वी दीज आर द टेक्निक्स जिसमें देखें टॉप पे पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट ही है। इंश्योरिंग दैट गोल्स इंक्लूड इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग वर्क। जॉब एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट है कि आपका जो टारगेट है वो आपके मैक्सिमम स्किल्स को इस्तेमाल करें। फीडबैक होना चाहिए। गोल्स मस्ट बी स्मार्ट। अलाइन पर्सनल एंड कमर्शियल गोल्स। प्रायोरिटीज सेट करनी है। ऑल ऑफ दीज आर द वेज द टेक्निक्स इन विच इफेक्टिव गोल्स कैन बी अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द गोल सेटिंग थेरी। गोल सेटिंग थेरी जो है वो आपको इस तरह से मोटिवेट करती है कि आपके जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वो इन्फ्लुएंस होता है द वे यू हैव सेट द गोल्स। और जितने आपने इफेक्टिव गोल सेट किए होंगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो भी इफेक्टिव होगी, उतनी परफॉर्मेंस आपकी अलाइंड होगी विद द ओवरऑल टारगेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। गॉट इट? सर गोल सेटिंग थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, इसके अंदर कुछ मसाइल भी हैं। एट टाइम्स पीपल सेट हाईली चैलेंजिंग गोल्स फॉर देमसेल्फ विच अल्टीमेटली डीमोटिवेट देम। बहुत दोनों एक्सट्रीम्स पॉसिबल हैं। हाईली अनरियलिस्टिक गोल्स भी डीमोटिवेट करते हैं, टू ईजी गोल्स भी डीमोटिवेट कर देते हैं। तो गोल शुड बी चैलेंजिंग येट अटेनेबल। इफ़ यू आर सेटिंग अ गोल विच इज़ वे टू हाई तो वो भी आपको डीमोटिवेट कर देगा। इफ़ यू आर सेटिंग अ गोल विच इज़ वेरी ईजी वो भी डीमोटिवेट कर देगा। फिर गोल्स अक्सर इनफ्लेक्सीबिलिटी क्रिएट कर देते हैं, फोकस नैरो कर देते हैं। लाइक हो सकता है कि एक इंडिविजुअल के पास उससे उस गोल को भी एक्सीड करने की कैपेसिटी है, ही कैन डू एक्चुअली समथिंग गुड, वो और अच्छा कर सकता है, लेकिन चूंकि आपने उसको एक टारगेट दे दिया तो वो उस टारगेट को ही अचीव करेगा एंड दैट विल बी ऑल। ही माइट नॉट बी गोइंग बियॉन्ड द टारगेट इवन दो ही माइट हैव अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी जो है वो स्टेटेड टारगेट से आगे नहीं जाने देगी, वो टारगेट मीट करके रिलैक्स हो जाएगा। फिर गोल्स अक्सर कॉन्स्टेंट प्रेशर भी क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, ओवरली डिमांडिंग वर्क। रिमेंबर वी डिस्कस्ड कि ओवरली डिमांडिंग वर्क जो होता है आपका ये आपको स्ट्रेस में ले जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विद द गोल सेटिंग। बहुत आसान या बहुत मुश्किल गोल डीमोटिवेट करते हैं,
गोल्स इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करते हैं और गोल्स जो है वो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं. दीज आर सम ऑफ द इश्यूज इन गोल सेटिंग प्रोसेस. बट अदरवाइज गोल सेटिंग थ्योरी जो है दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी और ये आपकी मोटिवेशन को बूस्ट कर देती है अगर आपकी रोल अगर आपका रोल बड़ा पॉजिटिव है गोल सेटिंग प्रोसेस में. इसके बाद एमबीओ आएगी. एमबीओ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है पीटर ड्रकर का. उसके बाद सेल्फ एफिकेसी है और उसके बाद रीइंफोर्समेंट है. सो ये तीन इंपॉर्टेंट, इसके बाद वो इक्विटी भी है, चार चार इंपॉर्टेंट थेरीज और हैं इसके अंदर एंड देन इट विल कंक्लूड. ठीक है, तो होपफुली नेक्स्ट वीक में विद इन फ्यू डेज इसको वाइंड अप कर देंगे एंड आफ्टरवर्ड्स फिर वी विल टेक द नेक्स्ट लीड विद इन फ्यू वीक्स इंशाल्लाह विल बी डन होपफुली. But in the meantime, start revising the previous concepts, the previous topics. Revisions are very important. The more you'll revise, the better chances you'll have to survive. Because normally our revisions are very weak. We have a topic, we don't revise it after that. So revisions, do revisions साथ-साथ करें. और उसके लिए वो नुमान से मैं कह दूँगा. वो इंशाल्लाह आपके regular tests भी जो है वो upload करता रहेगा साथ-साथ जो आगे रहते हैं. ठीक? So I'll ask Numan, he will do that. इन द मीन टाइम कोई कंसर्न हो, कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे मुझे डिस्कस कर लीजिएगा. सेवन ग्रेट, सी यू अराउंड. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.